18 तारीख को यहाँ से वो गए हैं और आज 27 तारीख, कितना 27 तारीख है अभी तक। तो पहले यहाँ से गए फैजा अयोध्या जी, अयोध्या जी से गए वहाँ बनारस, बनारस से गंगा सागर, गंगा सागर से वापस वहाँ जाते जगन्नाथ जगन्नाथपुरी के लिए। अब रात में यहाँ वहाँ रास्ता में यहाँ वो जो भुवनेश्वर बोलते हैं वहाँ पे कहीं बस पलटी हो गया। सुबह 4 बजे फोन आया हम लोग के पास कि भैया लड़का, वही मेरा भतीजा लगाया था फोन कि मम्मा पापा तो बस अब पलट गए, ऊंचा दबा के खत्म हो गए। कितने ना बात हम लोग को मालूम पड़ा, तब से हम लोग परेशान हैं। लोग थे बस में? अब बस में जो है 70-80 सीटर तो बस में इतना कहाँ कहाँ के लोग है। थे अभी उसमें? हमारे भैया के तरफ से 14-15 लोग एजेंट, एक एजेंट के तरफ तीन और एजेंट? तीन, एक जन वहाँ सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनका एक एक्सपायर हो गया है, और एक जन सिकौथा के हैं, उन्हों एक्सपायर हो गए हैं, और लोग बाकी घायल हैं, कोई खाट टूटा है, कोई का पैर टूटा है। शासन प्रशासन से कोई बातचीत कोई अब आया शासन नहीं? एसओ साहब आए रहे सुबह में ही, वो चौकी पे अभी गवाह मतलब बुलावा आ रहा है, गवाह गिरा रहा, वहाँ भी बातचीत करी सब। कब तक आ जाएगी दिल्ली? अब डेड बॉडी वहाँ से अभी तो फोन आया मेरे पास कि यहाँ निकले हैं हम लोग यहाँ से। अब 20 घंटा वो लोग ड्राइवर 22 घंटे का अनुमान लगा रहा है, लेकिन 22 घंटे से ज़्यादा हम 30 घंटा मान के चलो, क्योंकि बारिश का सीजन है। 18 तारीख को शाम को गए हैं लगभग 5-6 बजे से, और सूचना मुझे रात में 3 बजे मिला हुआ है, आज रात को। कितने लोग गए थे अकेले? हम गांव से तो हम माता पिता थे, और वहाँ टलौठी से मामा उमा थे हमारे, मामा मामी दो जने। क्या सूचना मिली वहां से? सूचना यही मिला कि माता जी का एक्सपायर, वो एक्सपायर हो गई और पिताजी को चोट लगा है, बस पलट गई थी। और कितने लोग घायल हैं घायल उसमें तो से? वहाँ 51 आदमी है, एक्सपायर कितने लोग चार हैं? आदमी हुए हैं, तो दो तो सिद्धार्थनगर के हैं और एक पिपरा का है, एक बिलासा का है। अभी वहां से कांटेक्ट कुछ है कब ने तक हो कोई कांटेक्ट नहीं, पाएंगे? यही अधिकारी से कांटेक्ट किए थे तो बताए थे कि 2 बजे के बाद हम सब लाश भेजेंगे, अभी तो कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ के अधिकारियों ने कोई संपर्क किया आपसे? ये गौरा एसओ आए थे और नेपाल आए थे। बिल्हासा से जो है राम पुदुन, पत्नी कमला देवी, दो लोग 18 तारीख में गए थे, और बाकी इनके जो है रिश्तेदार थे चढ़ौठी, चढ़ौठी से लोग सब साथ में गए थे नहाने। आज सुबह 3:30 बजे जो है ये हादसा का जो है सूचना मिला वहाँ से। मिली सूचना मिली कि जो है यहाँ बस पलट गई है उड़ीसा में जालेश्वर बाईपास के पास, और इनका कमला देवी का जो है इंतकाल हो गया है, और बाकी कुछ लोग उसमें घायल हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र गैसड़ी के और बगल के सिद्धार्थनगर इटवा क्षेत्र के लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे। सुबह 3 बजे इन लोगों को सूचना मिली, का नाम है उड़ीसा में, का नाम है बस पलट गई है, जिसमें दो लोग, का नाम है हमारे गैसड़ी विधानसभा के लोग एक्सपायर हुए हैं, और दो लोग इटवा के हैं, का नाम है, और एक राजेश मिश्रा जो का नाम है इसके अगुआ थे तीर्थ यात्रा के, और यहाँ पे बिलासा गांव सभा के एक महिला हैं श्रीमती कमला देवी, उनकी मृत्यु हो गई है, जिसकी सूचना पा कर कर हम क्षेत्र में आए हुए हैं, लेकिन उनके घर पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि गांव में बाढ़ का पानी सड़क पे भरा हुआ है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और घर के लोगों को इतनी शक्ति प्रदान करे कि इस दुख घड़ी को सह सके, और हम मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि कम से कम इन लोगों को 10-10 लाख की मुआवजा भी दिलाया जाए और आवास की भी सुविधा दिलाई जाए इन इन गरीब परिवार लोगों को।